नमस्कार दोस्तों, विस्फोटक गैंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे आप अपने फ़ोन में कैसे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को कैसे फ्लैश कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो दोस्तों, अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है या डेड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, शॉप में लेके जाते हैं। तो वहाँ पर आपसे पैसे मांगते हैं, तो मेरे को 250-200 जितने भी लगेगा उतना देना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ़ोन डेड हो गया है, उसमें सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर चढ़ाना मतलब तो इतना ही होता है ना, ज़्यादा पैसा। तो ये बिल्कुल ही सीधा सा स्टेप है, आप मेरे को फॉलो कीजिए, आप भी ये काम कर सकते हैं। पहले दोस्तों अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। करने के बाद अब अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए फायर वार्म, FIRE फायर वार्म, WARM वार्म लिख के स्पेस देके अपना डिवाइस का नाम और मॉडल दे दीजिए। मेरा माइक्रोमैक्स है, तो मैं माइक्रोमैक्स AQ5001 लिख दिया। तो उसके बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके पास बहुत सारा ब्लॉग ओपन हो जाएगा। देखिए बहुत सारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब मैं दूसरे नंबर से खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आ गया है मेरा वाला फ़ोन का। यहाँ पर बहुत सारा डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करिएगा। करने के बाद आप देखिए, मैं यहाँ से पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं फिर डाउनलोड नहीं करूँगा। तो कर लीजिए, एक आपका जो मॉडल है उस हिसाब से लिख के डाउनलोड करने के बाद देखिए आपके पास ऐसा एक जिप फाइल होगा। देखिए दोस्तों, ये वाला जिप फाइल, तो ये रैर वाला फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए अच्छे से समझने के लिए। मेरा हर स्टेप आप फॉलो कीजिए तो आप ठीक से अपना फ़ोन को फ्लैश कर सकेंगे और को अपडेटेड कर सकेंगे। तो देखिए मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, शायद हो गया, थोड़ा सा बाकी है, एक्सट्रैक्ट हो गया। तो होने के बाद देखिए आपके पास ऐसा एक फोल्डर आ जाएगा। तो इस फोल्डर में आपको क्या करना है, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर मिलेगा एक डिवाइस वाला ऑप्शन, ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर पहले से इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आपको SM जो टूल है, देखिए SM टूल, ये वाला आपको एक ई फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, तो उसके में क्लिक कीजिए, आपको एक इमेज फाइल लोड करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा, आप जो एक्सट्रैक्ट किए थे उसमें जाइए, उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा फायर वार्म वाला एक फोल्डर। फायर वार्म ओपन कीजिए और देखिए एक txt वाला फाइल आपको वहाँ पर मिलेगा, उस फाइल को आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक आपके लोड हो रहा है, जिससे आप फ्लैश करेंगे उसमें लोड हो रहा है। होने दीजिए। ये दोस्तों ध्यान से मेरा स्टेप फॉलो कीजिए तो आप अच्छी तरह कर सकेंगे। तो ये देखिए लोड हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका फ़ोन कनेक्ट करना है USB केबल के साथ। और कनेक्ट करने के बाद आपका फ़ोन वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन बटन आपको अच्छी तरह से प्रेस करना पड़ेगा। अगर प्रेस करेंगे तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप क्लिक करने के साथ साथ ही देखिए ये शुरू गेम येलो वाला जो मार्क है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये कंप्लीट होगा तो होने के बाद आपका पास एक मैसेज आएगा, यानी आपको वहाँ पर पॉपअप मिलेगा कि सक्सेसफुल का मैसेज। तो आप समझेंगे ये अच्छी तरह आपका फ़ोन फ्लैश हो गया। तो देखिए ये बढ़ रहा है, मैं स्किप कर दिया हूँ, अगर बहुत ज़्यादा समय ले रहा था तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया हूँ। अब देखिए ये हो रहा है धीरे धीरे, ये और कुछ ही लगेगा, शायद हो गया। देखिए ये हो गया।
यहाँ पर देखिए एक सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब इसे कट कर दीजिए, सब विंडोज जो है क्लोज कर दीजिए और अपने फ़ोन को यूएसबी केबल से अलग कर दीजिए। होने के बाद अपना फ़ोन चालू कीजिए, देखेंगे ये हो गया। धन्यवाद।